को स्थानीय जनता आमने सामने आ गई। मथुरा शहर के यमुना पार क्षेत्र में बुधवार दोपहर उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक शव को दफनाए जाने से नगर निगम के द्वारा रोक दिया गया, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध जताया। जानकारी के अनुसार मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के यमुना पार स्थित वार्ड संख्या 14 के विशनगंज गांव में स्थित एक बंजर जमीन है जिसे नगर निगम की जमीन बताया जा रहा है। नगर निगम का बोर्ड भी लगा हुआ है और नगर निगम ने उस बंजर जमीन पर तार फेसिंग भी कर रखी है। उसी बंजर जमीन पर बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा एक शव को दफनाने के लिए लाया गया। इसी दौरान सूचना मिलते ही नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और शव को दफन किए जाने से रुकवा दिया गया। इस संबंध में जब मुस्लिम समाज के लोगों से जानकारी की गई तो उन्होंने उस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताया और उस पर पूर्व से ही सब दफनाए जाने की बात कही। वहीं नगर निगम की ओर से बताया गया कि यह भूमि नगर निगम के स्वामित्व की भूमि है जिसे नगर निगम के द्वारा पहले से ही तार फेसिंग कर दी गई है। सूचना मिलते ही महावन तहसील के तहसीलदार मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मौका मुआयना किया और बताया कि यह जमीन नगर निगम की ही है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को बातचीत करके उन्हें समझाया गया। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग शव को दूसरे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गए। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। जी सर, बताएं क्या कुछ मामला है? ये ऐसा है, ये नगर निगम की जमीन है, यहाँ पे जो विवाद चल रहा है और इस पे तार फेंसिंग नगर निगम द्वारा ही कराई गई है पूरा पहले से, और ये मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग इसमें जो है अपना दफनाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये विवाद हुआ है। क्या कुछ विवाद में क्या कुछ हुआ, कोई घायल वायल हुआ है? क्या नहीं, नहीं कोई घायल नहीं, कैसे वैसे बात विवाद आपस में हुआ है लेकिन वैसे कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये जमीन किसकी है? नगर निगम की जमीन है ये। ये तार फेंसिंग कभी कराई गई थी? जी अभी करवाए, 3-4-5 महीने पहले, 5 महीने हो गए करीब। अब इसमें बोर्ड भी लगा हुआ है हमारे नगर निगम का, ये सामने मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि पूर्व से ही वह यहाँ अपने मुर्दों को दफनाती आ रही है जी, और पूर्व से ये जमीन उनकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? इस पर ये कहना चाहेंगे, अपना पक्ष रखे हमारे अधिकारियों के सामने। अच्छा। ये लोग जो है और अपना रख के, हम तो ये कह रहे हैं अपना नाम कराए खूब धड़ाके से। फिलहाल जो कैजुअलिटी हुई है उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? उसको दफनाने दिया जाएगा या नहीं? जान नहीं, नहीं अब देखो ये पुलिस प्रशासन जाने, पुलिस प्रशासन ही बताएगा इस बारे में कि इसको आगे क्या किया जाएगा। जगह ही है नगर निगम जी। हाँ, इस समय अपनाने से मना करते जी 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 सर, बताएं क्या कुछ मामला था, क्या कुछ निस्तारण निकल करके आया है? यहाँ पे एक हमारे मुस्लिम संप्रदाय के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो उनको दफनाने को लेकर एक इशू हो गया था, तो नगर निगम की जमीन है वो, बंजर के रूप में दर्ज थी, तो नगर निगम द्वारा उसे पहले फेंसिंग करवा दी गई है, तो अभी कहाँ पे दफनाया जाए तो इस चीज़ का यहाँ पे विवाद हो गया, तो अभी उनको समझा दिया गया है, तो कब्रिस्तान में वो जाके दफनाएंगे और आगे के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को यहाँ पे निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस ग्राम सभा में नगर निगम के अंदर में अगर कोई सरकारी ज़मीनें हैं और ये लोग चाहते हैं कि वो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हों, तो निर्धारित प्रक्रिया जो भी नियमानुसार होती है वो अपना आवेदन पत्र दें और नगर निगम के थ्रू भी ये आख्या उनके उच्च अधिकारियों को जाए, और जिससे इनकी जो आगे की समस्या है वो उत्पन्न ना हो और वो इसी स्तर पे सॉल्व हो जाए। मुस्लिम पक्ष अपने जो मृतक है उसको कहाँ दफनाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी सर? थोड़ा सा प्रकाश, वो उन लोगों का उन्होंने आइडेंटिफाइड किया है जिस कब्रिस्तान में वो ले जाएंगे, अभी उन्होंने बताया कि साहब हमने अपना कर लिया है, जहाँ पे उनकी और मुस्लिम समुदाय शायद लक्ष्मी नगर ले जाएंगे, तो लक्ष्मी नगर में शायद जाएंगे वो, तो वो उनका अपना शॉर्ट आउट हो गया, उन लोगों के अपने समाज में बात हो गई, वो लोग कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है तो? मेरा नाम जहीर खान है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो शहर मथुरा का हूँ। क्या मामला है ये? मामला ये है, ये विशनगंज ग्राम का वर्षों पुराना कब्रिस्तान है।
ये बफ बोर्ड में भी दर्ज है रजिस्ट्रेट नंबर 925 और ये काफ़ी टाइम से इसमें हजारों कब्रें दफनाते चले आ रहे। कुछ पार्षद की मिली भगत से नगर आयुक्त ने इसमें तार फेंसिंग कर दी और तार फेंसिंग करने के बाद में अपने बोर्ड लगा दिए। हम तभी से ही कार्रवाई करते चले आ रहे हैं कि अपने बोर्ड यहाँ से उखाड़िए ये लगाइए, लेकिन कभी नगर आयुक्त तो सही जवाब नहीं देते हैं। डीएम साहब को भी हमने कितने प्रार्थना पत्र दिए हैं, लखनऊ भी है और यहाँ आज क्या कुछ हुआ जो इतनी पुलिस बल यहाँ मौजूद है, लोगों का हुजूम भी लगा हुआ है, नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं, क्या कुछ मामला हुआ आज? आज का मामला ये है कि एक लड़का जवान वो बिल्कुल ठीक था, सही था, कोई इसको दिक्कत परेशानी बीमारी नहीं थी, अचानक उसकी एकदम पेट में दर्द हुआ और उसकी एकदम अटैक या जो भी है वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो उसको दफनाने के लिए अभी और तो कोई जगह है नहीं कब्रिस्तान, यहाँ पे एक मात्र यही कब्रिस्तान है, इसी में दफनाते चले आ रहे हैं, दफनाते हैं। तो ये है पार्षद ने नगर निगम को फोन करके कुछ लोग बुला लिए, लेखपाल जैसे कानगो वगैरह और पुलिस भी आ गई है। अब वो दफनाने में वादा बन रहे हैं कि यहाँ नहीं दफनाओगे नगर, जबकि नगर निगम को कोई अधिकार नहीं है कब्रिस्तान में रोकने का दफनाने से। नगर निगम की जमीन है तो नगर निगम रोक सकता है, मौजूद है नगर निगम। नगर निगम की कोई जमीन नहीं है, नगर निगम तो अभी 2-3 साल से आई है, जो बरसों साल पुराना कब्रिस्तान है या ग्राम पंचायत थी। फिलहाल आपकी बात हुई है नगर निगम के अधिकारी भी कुछ यहाँ पे मौजूद है, क्या डिस्कशन? अभी ये कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से बात कर लो तो ये हो जाएगा, बोझा उच्च अधिकारी यहाँ कोई अभी आए नहीं है और अभी हम जाएं तो उनके ऑफिसों पे अब क्या मिलेंगे, वो टाइम तो एकदम उनके ऑफिस बंद होने का है। फिलहाल ये लड़के का मसला है कि इसको दफनाया जाए, नहीं मानती है तो कहाँ दफनाया जाएगा, यही तो एक तो समस्या है, इसको कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, और कोई कब्रिस्तान तो है नहीं हमारे पास, ये है।